राजधानी जयपुर के नंदपुरी सुडाला से सब्जी की दुकान पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई करने से परिवार सड़क पर आ गया। परिवार द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2008 में यह दुकान खरीदी गई थी, जिसके बाद लगातार निगम परेशान कर रहा है। हमारा दुकान इसलिए था 25 साल से, हम वहाँ पर रोजी रोटी कर रहे थे। हमने 2008 में दुकान को रजिस्टर्ड कराया था, रजिस्ट्री कराई उसकी, फिर अपना मालिकाना हक वहाँ पर हमारा था। तो हमने 2015 में बिजली कनेक्शन लिया, पानी कनेक्शन लिया और हमारा रोजी रोटी चल रहा था। तो अचानक हमारे को आकर नगर निगम वालों ने बिना इत्तला करे हुए, बिना नोटिस करे हुए हमारे दुकान को तोड़ दिया, जिससे कि हमारे बाल बच्चे सब भूखे मर रहे हैं आज 4 दिन से। और कागज वगैरह सब रहते हुए भी हमको बेदखल कर दिया गया दुकान से। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ सर, हम दुकान किससे ली थी पहले उससे कराई थी, ये हमारे पास कागज। अच्छा, क्या बोला गया था आपको? ये तो नहीं बोला गया कि नगर निगम का नहीं, ऐसा कोई लफड़ा नहीं था और वाकई में नहीं था। अभी हमारे 15 साल से कुछ भी नहीं था। क्या वजह रही तो वजह सर, ये नगर निगम ने अपने दादागिरी से तोड़ी है, सरकार ने हमारे को ज़बरदस्ती बेदखल किया है, हमारी रोजी रोटी छीनी है, जो कि हमारे बाल बच्चों को बहुत ज़्यादा बुरा आगे आने वाला था सर में पढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई सबकी अधूरी चल रही है सर, छोटे छोटे बच्चे। अब हमको ये चिंता है कि हमारे बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमारा भरण पोषण हो। हमारा एकमात्र यही जरिया था कमाने का, और हमारे पास कोई नहीं है, हम रोड पे आ गए। किस चीज़ की दुकान? हमारे सब्जी की, फल फ्रूट की दुकान। किस तरह किसी का किसी पर अगर नोटिस आया आपके पास में? कोई नोटिस नहीं है, कोई इत्तला नहीं है हमारे पास। इसको लेके कहाँ पे? नगर निगम द्वारा अचानक कार्रवाई करने के कारण काफी नुकसान हुआ है।